साहब जी नमस्ते, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बताइए, कैसा आना हुआ आपको? साहब जी, मैंने बाहर आपके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस कंपनी को एक नौकरानी की जरूरत है। अच्छा, चलो बैठो यहाँ। जी साहब जी। अरे अरे, आप नीचे कैसे बैठ गए? सोफे पे बैठो। अरे साहब जी, माफ करना, लेकिन मैं जहाँ पहले काम करती थी वहां ऐसे ही मुझे जमीन पर बैठालते थे। धन्यवाद चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ, बैठो आप। साहब जी। अच्छा वो सब छोड़ो और नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है साहब जी, और मैं आपकी पास वाली कंपनी में 4 साल से काम करती थी। लेकिन साहब जी, अब मैं बहुत दुखी हूँ। कंपनी बंद हो जाने के कारण मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब मैं साहब जी काम ढूंढने इस कंपनी में आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला इस कंपनी में काम वाली की जरूरत है, मैं चली आई। अब जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ काम इतना होता नहीं है। आप पहले ये बताइए, आप पैसे कितने लेंगे? साहब जी पैसे वो तो आप बता सकते हैं, आप कितने पैसे देंगे मुझे? और वैसे भी मुझे तो नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, मुझे तो आप जो देंगे मैं वो रख लूंगी। हाँ वैसे काम यहाँ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर चेयर पे कपड़ा मारना, टेबलों पे और झाड़ू सफाई करना है, और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये दे पाऊँगा। क्या साहब जी, 10,000 रुपए? हाँ क्या हुआ, 10,000 रुपये कम है क्या तुम्हारे लिए? नहीं नहीं साहब जी, जहां मैं नौकरी करती थी ना वहां 6,000 मिलते थे मुझे। 10,000 कम नहीं है, बहुत ज्यादा है 10,000 मेरे लिए तो। सर वो आपने जो काम बोला था मुझसे वो हो गया। अरे सर ये कौन है? ये इन्हें काम की जरूरत थी और मैंने इन्हें काम पर रख लिया है, ये हमारी कंपनी की नई नौकरानी है। क्या सर, ये नौकरानी है? पर इसकी इतनी हिम्मत हो गई, ये सोफे पे बैठी है वो भी आपके बराबर में। सर इसको हटाओ ना यहाँ से, कहाँ इसको बिठा ले बड़े हो। चल यहाँ से उठ, तेरी औकात नहीं है बैठने की सोफे पे, अब वो भी आपके बराबर में बैठी है। जी साहब जी, मैं जाती हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं बैठो। लेकिन साहब जी, ये सर तो कह रहे हैं उठने के लिए। अरे नहीं, आप बैठो यहाँ पे। और राहुल भाई, आपको नौकरों से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी यही काम करेंगे। पर लेकिन सर ये तो नौकरानी है ना, इसको अपनी हद में रहना चाहिए था। नहीं, राहुल भाई आप गलत समझ रहे हो, उनको मैंने ही फोर्स किया था सोफे पे बैठने के लिए, वो खुद सोफे पे नहीं बैठी है। अच्छा सर, पर मुझे नहीं पता था कि आपने ही बोला था इनसे सोफे पे बैठने के लिए, सॉरी सर। नहीं, भाई सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इतना याद रखें, आप अगर नौकरों को इज्जत देंगे तो नौकर भी आपको इज्जत देंगे, और कंपनी में मेरे लिए सभी समान हैं। जी सर। और हाँ आप सुनो, मैं मैनेजर हूँ और तुम एक सुपरवाइजर हो, जिस तरीके से तुम इनके साथ बर्ताव कर रहे हो, अगर मैं वो आपके साथ करूँ तो वो अच्छा रहेगा? आप खुद सोचो ये बात। और कंपनी मेरे लिए कंपनी नहीं, एक घर है, और आप सब मेरे लिए एक परिवार, हम सब उसी एक परिवार का हिस्सा हैं और हम अच्छे से रहते हैं। जी सर, अब समझ में आ गई मेरे, पर आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी मेरी तरफ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। और हाँ रेखा, तुम भी जाओ और कल टाइम पर आ जाना। जी साहब जी, मैं कल से आ जाऊंगी। साहब जी कुछ बोलूं अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बोलिए। साहब जी, मैंने जहां जहां नौकरी करी लेकिन आप जैसे मालिक मुझे कहीं भी नहीं मिले। लेकिन आप सबसे अलग हो साहब जी, और बहुत अच्छी सोच रखते हो आप। साहब जी आप बिल्कुल परिवार समझते हो अपनी कंपनी, और सबको एक जैसा मान सम्मान देते हो। साहब जी इतने बड़े पद पर होकर नौकरों का सम्मान करना कोई आपसे सीखे। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश भी हूँ।